विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? तेजस्वी जी और क्या बोलेंगे, उनसे क्या उम्मीद रखें आप लोग? जो आदमी का जिसका जो उनके जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टी कांग्रेस और बिहार में वो है RJD, दोनों परिवार का चाहे उनके उस दल के उस गठबंधन के जो लोग हैं वो परिवार से अलग, उनका परिवार से इतिहास भूगोल शुरू होता है, परिवार में ही खत्म हो जाती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, इंडिया गठबंधन हो या फिर बिहार में महागठबंधन हो, ये बार बार NDA सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि अगर NDA के पास ED, CBI और IT ना हो तो इस बार 100 सीट लाना भी बहुत ही मुश्किल हो, यानी कि कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर महागठबंधन की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि इन तमाम एजेंसियों का NDA सरकार जो है वो गलत इस्तेमाल करती है सियासत करने के लिए और अपोजिशन को दबाने के लिए। अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो 100 सीट भी इस बार NDA को लाना मुश्किल है। आपको बता दें कि इन तमाम चीज़ों को लेकर के बिहार की सियासत भी जो है वो तूल पकड़ती जा रही है और बयानबाजियों का जो सिलसिला है वो काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रहा है। इन तमाम चीज़ों पर जब बिहार के JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है, परिवारवाद जो है वो कांग्रेस और राजद में साफ तौर पर दिखता है, क्योंकि जो चीज़ इनकी पार्टियों में होती है वो इन्हीं लोगों के आसपास घूम रही है। आपको बता दें कि उमेश कुशवाहा ने साफ तौर पर यह कहा कि इस बार जनता ने तय कर दिया है 400 पार, और बिहार में जो एक सीट NDA की पिछली बार बच गई थी वो भी सीट इस बार NDA जीत रहा है। जनता का फैसला लगभग लगभग तय हो चुका है। और रही बात महागठबंधन की, तो इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है जो ये लोग बोलेंगे, अब सिर्फ ये बयान दे रहे हैं और दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि उमेश कुशवाहा ने तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए साफ तौर पर ये चीज़ महागठबंधन के ऊपर कहा कि महागठबंधन का कोई अब वजूद बाकी नहीं रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं उमेश कुशवाहा, आपको छोड़े जाते हैं उनके बयान के साथ। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? तेजस्वी जी और क्या बोलेंगे, उनसे क्या उम्मीद रखें आप लोग? जो आदमी का जिसका जो उनके जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टी कांग्रेस और बिहार में वो है RJD, दोनों परिवार का चाहे उनके उस दल के उस गठबंधन के जो लोग हैं वो परिवार से अलग, उनका परिवार से इतिहास भूगोल शुरू होता है, परिवार में ही खत्म हो जाती है, वो भला राज्य का और देश का सेवा क्या करेंगे? उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग? रोहिणी आचार्य, उन्होंने भी कहा है कि पहले भाई बहन से समझिए, उसके बाद लालू जी से संपर्क कीजिएगा। हमें तो उस परिवार, हमने तो कहा कि जहाँ भ्रष्टाचार का हर सीमाएं पार कर चुके हैं, लांग चुके हैं, उस पर बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता हम नहीं समझते, समझे? इस बार आप लोग इतने समझिए कि इस बार 400 पार। क्या माहौल है चुनाव में? अरे माहौल बहुत अच्छा है, माहौल इतनी अच्छी है कि पूरे बिहार ही नहीं देश के जनता ने मन बना लिया है, समझे? मन बना लिया है इस बार जो है 400 पार करेगी, और बिहार को 400 सीट, जो एक सीट का कसर रह गया था विगत चुनाव 19 के, वो भी कसर इस बार पूरा हो जाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। Paytm नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।